हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स ऑफ एग्जैक्टली इक्वल मासेस आर टेकन। वन इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज क्यू कूलम एंड अदर एन इक्वल नेगेटिव चार्ज। देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग आर डिफरेंट। तो जो हमारा एक की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो हमको दिया हुआ है कि टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर है। आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर मीन्स यदि हम एक स्फीयर ये बनाते हैं ए एंड दूसरा स्फीयर बी, तो उनके जो मासेस हैं वो क्या है, इक्वल है। मीन्स दोनों का ए और बी, इसका मैंने मास बोल दिया एम, स्मॉल एम, तो इसका भी कितना है, स्मॉल एम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि इसमें क्या है कि कैपिटल क्यू चार्ज, यदि हम वन इज गिवन अ पॉजिटिव क्यू चार्ज और इसको हमने दिया माइनस क्यू चार्ज, तो हम ये पॉजिटिव क्यू चार्ज दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही प्लस क्यू चार्ज है एंड इसमें माइनस क्यू चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मींस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मींस इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, इस डिफरेंशियस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स जो मास है इसका और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो रहा है, इससे डिफरेंशियल कम हो रहा है। एंड ये हमारे ए में हो गया एंड बी में क्या हो जाएगा, हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर रहे हैं, तो इसमें जो मास है मेटालिक स्फीयर का उसका मास प्लस जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा, ये बी के लिए है। तो हम देखते हैं यहाँ से कि ए का जो मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी, या मास ऑफ ए लिखेंगे हम, क्या आता है हमारे पास, मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी। क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है कि वन इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज क्यू कूलम एंड अदर एन इक्वल नेगेटिव चार्ज, हमने दिया तो देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग आर डिफरेंट। हाँ, दोनों के मास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एंड ए का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन टू से क्या होगा, बी का मास ज्यादा होगा, ए का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर वन से। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।